प्रिय भगवान श्रीजगन्नाथ भक्तों अनुरोध रक्षा करी प्रभु गजानन बेश दर्शन देते परंपरा को रक्षा करने प्रभु से ही दिन ठार् स्नान पूर्णमी में हाथी बेश भक्त को दर्शन देखते मानवीय लीला खेलार प्रतीक भाव महाप्रभु विभिन्न बेश अनुषित होता मुक्ताकाश तले मंच स्नान करी महाप्रभु भक्तों खोला दर्शन देखते हाथी बेश श्रीजीव मैंने अधिक आकर्षण देखा जाते प्राय 3 लक्ष भक्त यह दुर्लभ बेश देखि आनंदित होता देखा मिलता भोर 4 मंगलार्पण हो 4:15 पहंडी आरंभ होता सका 7:55 मदन मोहन मंच उपरक विजे करते अन्यान्य नीति पर 9:55 सूर्य पूजा और 10:25 बेश शेष होता भक्तों हरिबोल हुलाहुली और जय जगन्नाथ ध्वनि सिंहद्वार कंपी उठुला सुना कूरु 108 गड़ु जल अणाई अधिवासक रखा जाता से ही जल में सुभषित द्रव्य अष्टबंदी कृष्ण अगुरु उशीर गोरचना देवदारु मुथा हरिताल बाहाड़ा आमलजी 25 ताम्रपणी लोधा आदि द्रव्य मिश्रण कर सुभषित कर रत्न सिंहासन चारमाला धाड़ी पहंडी रे प्रथमे प्रभु सुदर्शन माँ सुभद्रा प्रभु बलभद्र और शेषे प्रभु जगन्नाथ पहंडी विजे करी स्नानवेदी में विराजमान करते 108 कुंभजल मध्य श्रीजगन्नाथ को 35 गड़ु बलभद्र को 33 गड़ु सुभद्रा को 22 गड़ु सुदर्शन को 18 गड़ु जल में स्नान कर राघवदास मठ और गोपालतीर्थ मठर बेश सामग्री जोगाई दि जाता स्नान पर गजपति महाराज दिव्यसिंह देव स्नानवेदी में छेरा पहरा नीति समापन करते भक्त मैंने बड़दाण्डे थी महाप्रभु को हाथी बेश दर्शन करते हाथी बेश ओलागे सर्वसाधारण साहणा मेला दर्शन आरंभ होता सुरक्षापी पुलिस प्रशासन पक्षर मंदिर भितर और बाहर समुद्रकूल सहर प्रवेश पथे जगि रही सुरक्षापी 52 प्लाटून पुलिस फोर्स नियोजित होते विभिन्न स्थान में साधा पोशाक धरी पुलिस जगि रही त्रिस्तरीय सुरक्षा मध्य श्रीमंदिर रही राति 10 महाप्रभु बाहुड़ा पहंडी हुई अणसर घर को विजे करते कोरोना कटकणा जो 2 वर्ष धरी भक्त मैंने दर्शन रु वंचित होते चलित बर्ष भक्त और भगवान सीधा सड़क दर्शन संभव हो चकाआखि भक्तर आखि मिशी जा देखा मिलता अग्निशम विभाग और स्वेच्छासेवी अनुष्ठान पक्षर भक्त मान जलसिंचन कर 14 दिन महाप्रभु अणसर घरे विराजमान करे समय भक्त मैंने ब्रह्मगिरी स्थित चतुर्धा मूर्ति नारायण श्री अलरनाथ दर्शन करे विश्वास रही गोटे दिन अलरनाथ दर्शन श्रीमंदिर श्रीजीव वर्षक दर्शन सह सामान बोली कथित अच्छी प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कर बहुत भल लगुच 2 वर्ष कोरोना कटकतापर आम आसीचु बहुत भल दर्शन भी हो किंतु टिके प्रशासन भी अव्यवस्था अच्छी जो आम भी अनुभव करुचु माने जोटा कि जोता स्टाण अमक समक जो गुड़ाक थिला मंदिर पाखे से गुड़ाक भारी अव्यवस्था है किंतु जहाँ भी हो 2 वर्ष पर जगन्नाथ दर्शन कर बहुत भल लगुच जय जगन्नाथ आम मान जीवन कृतार्थ करने भक्त मानी रख आनी आम तर पदारबिंद 2 वर्ष पर दर्शन पर जीवन को निजर कृतार्थ अनुभव करीलाद्री बिहारी कटके अटक हे बारू मोदी न
सरु नाही छुरी छुरी प्रभु सरु नाही छुरी छुरी। श्री जगन्नाथ को भव्य दर्शन कलु बहुत आनंद लगुच बहुत खुशी लगुच भगवान देखला पर मन पूरा शांति जाऊँगी। आम आशा करूँ जे एत गहली भितर भगवान को दर्शन कर पार बोलिकी तो आम तीन वर्ष है कोरोना जो जगन्नाथ दर्शन पाईपार नु तो आज आम जगन्नाथ स्नान स्नान जात आज देखिपु तो बहुत खुशी लगुच आप गजानन बेस ता देखू एत गहली मध्य मात्र देखा पाच बहुत गरम लोक भी बहुत भिड़ देखुं वर्ष पर प्राय दुई वर्ष पर बर्तमान लोक मैंने शह शह लोक आज ठाकुर दर्शन करने सुजोग पाई सारा देश कोण अण कोण पूरी दाण्ड आज पूरा जन समुद्र पलटि आज्ञा प्रशासन कम होगा दर्शन जो एत जो भिड़ हो प्रशासन कम होगा जमी दक्षिण पटे काढ़ुला उत्तर द्वार पटे बाहर बाहर करमती सिंहद्वार पटे जमी पुरुला पश्चिम द्वार पटे पुरुला पश्चिम द्वार पटे बस्ती गले आज्ञा एत लोक आमती हे पश्चिम द्वार पटा बंद कर दे बोल किए लोक होती तेणुक एत लोक जो होती एत लोक भितर जहाँ भी किसी असुविधा हो पाए। जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंर आज हूँ पवित्र स्नान जात्रा ए स्नान जात्रा दीर्घ दुई वर्ष है भक्त मान मनरे जो उत्कंठा थिला दर्शन करने कराल जो कोरोनार कराल विभीषिका द्वारा पूरी को भक्त माने आसी पार नथिले दुई वर्ष धरी जो दर्शन महाप्रभु चर्मचक्षुरे करिबा कथा से करि पार नथिले मनरे प्रबल उत्साह एई वर्ष महाप्रभु को चर्मचक्षुरे स्वयं साक्षात महाप्रभु को दर्शन करिबु सेथिपई अगणित भक्त एथर चली आसी स्नान यात्रा देखापी आज बड़दाण्ड में संपूर्ण रूप से जनसमाकरण हो जाती महाप्रभु को किपरि चर्मचक्षुर दर्शन कर मुक्ति लाभ करिबो कारण ये देवा ये हूँ परम ब्रह्म जगन्नाथ तांक सहित भाव और भक्तिर जो महात्म्य रही भाव भक्त भक्त और भगवान जो संपर्क रही आज भक्त समाज आज अगणित श्रोता अगणित भक्त आज महाप्रभु को दर्शन करने सुदूर आड़ चली आसी श्रीक्षेत्र धाम को तेणु आज दीर्घ दुई वर्ष पर मनर जो उत्साह आनंद महाप्रभु को आज देखिए आम कृतार्थ हेलु गजानन बेश महाप्रभु गजानन बेश को दर्शन करी आज समस्ते आनंदित हो जाती देखिले 108 गरारे महाप्रभु स्नान कले 35 गरारे महाप्रभु जगन्नाथ को और 33 गरारे महाप्रभु बलभद्र को एवं 22 गरारे सुभद्रा को 18 गरारे सुदर्शन को इपरि 108 गरारे महाप्रभु को जल लागि हेला परे महाप्रभुंकर बेश अनुष्ठित होइछि। गजपति महाराज निजे जाई छेरा पहरा कल्ला परे महाप्रभुंकर गज उद्धारण बेश होइछि। गज उद्धारण बेशर महात्म्य रहिछि गणपति भट्ट जेतेबेले पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसीथिले सेतेबेले तांकर इष्ट देवता गजानन को न देखि तांक मनरे टिके दुख होइथिला तांकर इष्ट देवता गजानन तेणु सी होती जी जगन्नाथ होती सर्व देवतांकर प्रिय सी होती पंचतत्व गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा से पंचदेवतार आराध्य देवता जगन्नाथ किसी समय पर देखिले से दिन स्नान पुण्य पड़ा एवं महाप्रभु जगन्नाथ गजानन बेश होते तेणु ये गजानन बेश को देखी आज गणपति भक्त विमोहित हो जाती मोर से महाप्रभु से होती पूर्ण ब्रह्म जे कि षोल कलार निर्मित महाप्रभु से नंदबला जहाँ को आम कहे कौन ना हे नंदबला से गोटे कला नुहे से षोल कल परिपूर्ण आज परम ब्रह्म जगन्नाथ समस्त पतित मान को उद्धार करने बड़ श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र स्नानवेदी आज दर्शन दे रत्न सिंहासन छाड़ आज सका महाप्रभुंर शीघ्रादि शीघ्र कार्य समापन हो शीघ्र हाँ नीतिकांति सका चारिटार भोर चारिटार महाप्रभुंर पहंडी बीज आरंभ होता पहंडी बीज पर महाप्रभु 8 सुधा स्थान रे आसी पहुँची जाती महाप्रभुंर स्नान यात्रा 9:30-10 बेलू आरंभ हो जाइए स्नान पर महाप्रभुंर जो फूल लगी और बेश अनुष्ठित हो महाप्रभुंर छेरा पहरार गजपति महाराज द्वारा छेरा पहरा होगा महाप्रभुंर गजानन बेश बर्तमान अनुष्ठित हो गजानन बेश बर्तमान दर्शन देखते अगण
ଆଦରିତ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଯିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଦ୍ରି କେବଳ ନୀଳଅଦ୍ରି କେବଳ ନୁହେଁ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ଏ ଦର୍ଶନ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସହିତ ସମାନ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ଭାବର ଠାକୁର, ଭକ୍ତିର ଠାକୁର, ଗୋଟେ ସମଣ୍ଡର ଠାକୁର ସିଏ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଭଉଣୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ଭଉଣୀ ଅଛି, ଏପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ଅଜା ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏପଟେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନବସର ନୀତି ସରିଲା ପରେ, ଆଜି ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ସରିଯିବ, ଭଗବାନ ପହଣ୍ଡିକି ପଢ଼ିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ନଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତି କିଏ ସିନା, ଆମର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇଠି ବସିବେ, ପ୍ରଭୁ ପଟି ଧୋଇକରି ବସିବେ, ପୂଜା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟି ଠାକୁର ସେଠି ପୂଜା ପାଇବେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଟିଟି ବନ୍ଧା ହେବ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେବ, ଚିତ୍ର ହୋଇକରି ସେଠି ପୂଜା ପାଇ ଚାରି ଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ହେବ, ସେଇଠି ଭୋଗ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଭୋଗ ଫଳମୂଳ, କେବଳ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଟିତ ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଫଳ ମୂଳ ଆମ୍ବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଳମୂଳ, ଅନେକ ଫଳ ରହିଛି ସବୁ, ସେସବୁ ଭୋଗ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ରହିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣରେ ଗଦାଇକି ରହିବ, ସେସବୁ ମାନେ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ନବସର ସେସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ, ପ୍ରତିମାପତ୍ର ସେବକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଚାଲିବ, ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, କିଏ କିଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ପରମ୍ପରା, ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି, ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ସେଠି ତୁଳନା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଠାକୁର ହୁଏ, ଆର ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା, ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ଆର ବୈଚିତ୍ରତା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ବହି ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେବା ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଣସେବକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଅଲଗା ଜାତିର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ଜାତି ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ବିଚିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛି ପୁରୀର, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ନାହିଁ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ସମୟରେ ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପଟିତଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁଠି ନା ଅଲାରନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଯିଏକି ଆମ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ସେଇଠି ମିଳେ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ ସେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ତତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବିଚ୍ୟୁତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବା, ଏଇଟା ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁଛେ, ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମାନିବା, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ମାନିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନିବା, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ ଅବସର, ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଗଜାନନ ବେଶ, ହାତୀ ବେଶ, ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଯେଉଁ ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ମାନବ ଲୀଳାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା, ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂଅରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିବା ପାଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପାଣିରେ ଅଧିବା
निवास हूँ महाप्रभु स्नान करती जगत देखते से स्नान को से कृष्ण अवतार रु जो आज पर्यटन रही महाप्रभु जो परंपरा ये जो लीला जे महाप्रभु मत स्नान करती जगत आखि समस्त देखते महाप्रभु स्नान करती ये हूँ महाप्रभु कृष्ण गोपी से जो कथा को आज रूपातरित होती जगन्नाथ धर्म से महाप्रभु लीला मध्य आज अन्य लीला मध्य समस्त सेवायत मैंने समस्त गोपीजन मैंने एकाठी महाप्रभु मुझे स्नान करेंगे महाप्रभु स्नान पर पुणे मानवीय लीला मध्यम महाप्रभु को ज्वर हम महाप्रभु रोगाक्रांत हे एवं दीर्घ 15 दिन रोगाक्रांत पर महाप्रभु पुणी नवजौवन दर्शन कर रथारूढ़ हो आरंभ हम रथजात्रार से महान पर्व तेणु ये हूँ महाप्रभु लीला आज पवित्र स्नान पूर्णिमार ये दिन में महाप्रभु दर्शन कर भक्त टीए निज को धन्य मन कै धन्य से भक्त धन्य महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन प्रधान भवन गुरु जगन्नाथ पर्व के व्यापी सब सब लोक काम करने जगन्नाथ पाखे मोर कोटी कोटी प्रणाम मुझे निवेदन करुच्छी जगन्नाथ गुरु दर्शन कर पारिना किंतु आज जेहेतु सर्वक्षेत्र आज महाप्रभु दर्शन देवे तेणु आज असंभा भिड़ प्रबल भिड़ ही बड़दाण्ड तेणु सीति को आखि आगे रखी आम श्रीधाम ज्योतिवास्तु गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठान तरफ आज जल छत्र किसी शुखला खजा लोक मानक दि जाऊँगी जो जनसमागम पुरुषोत्तम क्षेत्र को आगमन होती आज प्रभु जो स्नान यात्रा दर्शन पर प्रबल भिड़ आपरी खरा प्रबल उत्ताप जो लोक मैंने भितर जो तृष्णा रही तृष्णा को मेटेवाई आम कि जल छत्र व्यवस्था करुखला खाद्य जो खजा प्रभु प्रसाद सब बंटन करवा द्वारा आम ये ना कि किंतु जो लोक मैंने आसुंच श्रद्धा आसत मैंने आसुच्चान कि आत्मतृप्ति लाभ हम से आज पवित्र श्रीक्षेत्र को स्नान पूर्णिमा तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँ ए कार्यपाई समस्त आम आगभर होम ये अनुष्ठान समस्त सदस्य मैंने रही समस्ते रही ये खजा और जल बंटन कर समस्ते कृतार्थ होती जनसमागम को आज कृतार्थ कर जय जगन्नाथ बेस कहले ना।